गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम हिंदी के क्लास में पार्ट 3 फिर चूहा बंजा कहानी को पढ़ेंगे। नदी किनारे एक आश्रम था, उस आश्रम में महातपा नामक मुनि की कुटिया थी। अब वहाँ पे एक मुनि थे, उनका नाम क्या था? महातपा। एक दिन महातपा मुनि नदी में स्नान करके लौट रहे थे, अचानक उनके सामने चूहे का एक छोटा सा बच्चा आ गिरा। चूहे के बच्चे के शरीर में घाव हो गए थे। चूहे का बच्चा किसी पक्षी के पंजे से छूटकर नीचे गिरा था। वो जब स्नान करके मुनि ने देखा कि एक उनके सामने क्या गिरा, चूहे का बच्चा गिरा है ना, तो वो किसी पक्षी ने उसको पकड़ लिया था, तो वो उनके वहाँ पर आकर गिरा। महातपा मुनि को चूहे के नन्हे से बच्चे पर दया आ गई। अब मुनि को जो थी वो चूहे के बच्चों पर क्या आ गई? दया आ गई। वे उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए। मुनि ने चूहे के बच्चे के घाव पर मलहम लगाया, उसे खाने के लिए चावल के दाने दिए। मुनि की सेवा से चूहे का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में वो नन्ना सा चूहे का बच्चा खा पी कर हट्टा कट्टा मोटा सा चूहा बन गया। अब वो मुनि ने वो चूहे के बच्चे को मनरप पे घाव वगैरह लगाया, उसको खाने के लिए चावल के दाने दिए। अब कुछ ही दिनों में वो चूहे का बच्चा खा पी कर एक हट्टा कट्टा मोटा क्या बन गया? चूहा बन गया। एक दिन महातपा मुनि ने आश्रम में एक मोटी बिल्ली आ गई। अब एक दिन मुनि के आश्रम में कौन आ गई? एक बिल्ली आ गई। चूहे को देखकर उसके मुंह में पानी भराया। अब जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा तो बिल्ली के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। मौका देखकर एक दिन बिल्ली चूहे पर झपटी। अब जैसे ही एक दिन मौका मिला तो बिल्ली किसके ऊपर झपटी? चूहे के ऊपर झपटी। लेकिन चूहा दौड़कर मुनि की गोद में जा छिपा। अब इतने में जो चूहा था वो डर के मारे कहाँ छिप गया? मुनि की गोद में छिप गया। मुनि का ध्यान भंग हो गया। अब जो मुनि जो थे वो तपस्या कर रहे थे तो उनका ध्यान एकदम क्या हो गया? भंग हो गया। उन्होंने देखा चूहा थर थर कांप रहा था, एक बिल्ली उसे घूर रही थी। मुनि समझ गए कि यह चूहा बिल्ली से डर रहा। चूहे का डर दूर करने के लिए मुनि ने अपने तपोबल से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब वह चूहा बिल्ली बनकर मजे से आश्रम में रहने लगा। अब वो चूहा जो था वो बिल्ली से डर गया। जब मुनि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने देखा कि चूहा जो है वो बिल्ली से डर रहा था, तो उन्होंने अपने तपोबल से उस चूहे को क्या बना दिया? बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक हट्टा कट्टा कुत्ता आ गया। बिल्ली को देखकर कुत्ता उसे पकड़ने के लिए लपका। बिल्ली भागकर मुनि की गोद में जा बैठी। मुनि ने देखा कि बिल्ली कुत्ते से डर रही थी। मुनि ने फिर अपने तपोबल से बिल्ली को कुत्ता बना दिया। फिर चूहा कुत्ता बनकर आराम से रहने लगा। अब एक दिन मुनि ने देखा कि आश्रम में एक क्या आ गया? कुत्ता आ गया है ना, तो फिर वो बिल्ली जो है वो कुत्ते से क्या होने लग गई? डरने लग गई। अब वो डरने लग गई तो मुनि ने फिर अपने तपोबल से उस चूहे को क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया। एक दिन आश्रम के पास अचानक एक बाघ आ गया। कुत्ता वहीं घूम रहा था। कुत्ते को देखकर बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए कुत्ता सिर पर पैर रखकर भागा और सहमा हुआ मुनि के पास पहुंचा। अब एक दिन वहां पे आश्रम में कौन आ गया? एक बाघ आ गया। अब कुत्ता इधर उधर आराम से घूम रहा था। जैसे उसने देखा बाघ आया तो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर क्या हुआ? भागा। फिर मुनि ने देखा, मुनि ने सोचा इस कुत्ते का भय दूर कर देना चाहिए। मुनि ने फिर अपने तपोबल से कुत्ते को बाघ बना दिया। अब फिर मुनि ने अपने तपोबल से उस कुत्ते को क्या बना दिया? बाघ बना दिया। अब बाघ बनकर वह आश्रम के आसपास ही रहने लगा। आश्रम के आसपास के गांव वाले जब भी उस बाघ को देखते तभी कहते यह बाघ पहले चूहा था, मुनि ने अपने तप से इसे बाघ बना दिया। लोगों की बात सुनकर बाघ को बड़ी शर्म आती थी। एक दिन उसने सोचा जब तक वह मुनि जीवित रहेंगे तब तक मेरी बदनामी होती रहेगी। लोग कहते ही रहेंगे कि ये बाघ पहले चूहा था, देखो अब इसे मुनि ने अब
तो मैं इसी मुनि को मार डालूंगा। अब जब वो बाघ इधर उधर घूमता तो लोग गांव के लोग कहते कि देखो देखो ये बाघ जा रहा है, ये पहले चूहा था लेकिन मुनि ने अपनी साधना से इसको क्या बना दिया, चूहा बना दिया। तो वो बाघ सोचने लगा कि जब तक मुनि रहेंगे तो लोग मतलब जब तक ये बाघ क्या होगी चलती रहेगी। तो एक दिन उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस मुनि को क्या करूँ, मार डालूँ। यह सोचकर वह बाघ एक दिन घात लगाकर बैठ गया। अब एक दिन ये सोचा और बाघ क्या लगाकर बैठ गया, घात लगाकर बैठ गया। मुनि उसकी मन की बात समझ गए, मुनि जो थे वो तो अंतर्यामी थे तो वो बाघ की बात क्या हो गया समझ गए। वह बाघ जैसे ही मुनि पर झपटा वैसे ही मुनि ने कहा जा, फिर से चूहा बन जा, और बाघ फिर से चूहा बन गया। अब मुनि उसकी बात समझ गए थे, मुनि ने जैसे ही बाघ को कहा कि जा चूहा बन जा, तो बाघ जो था वो फिर से क्या बन गया, चूहा बन गया। तो ये आपकी कहानी जो थी वो अब कंप्लीट हो गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में सेंड करेंगे।